हमारा जो गठबंधन है जो सर दमदारी के साथ बसपा जो है इस बार 2024 के अंदर दिल्ली में 700 सीटों पर प्रत्याशी को उतारेगी। आपको बड़ी ताकत से बहुजन समाज पार्टी का हाथी दिल्ली में दौड़ता हुआ दिखाई देगा। जो हमारे विरोधी दल है, जो हमारे बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफत वाले दल है, उनको सबक सिखाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी के लोग और समाज के लोग करने वाले हैं 2024 में। दिल्ली में निसंदेह ही बहुजन समाज पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दमदारी से प्रत्याशी को उतार रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है दोस्तों, और पूरे देश में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर आज हम जो है बसपा कार्यालय पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर, और हमारे साथ जो है सुदेश आर्या जी हैं जो कि केंद्रीय प्रभारी हैं। सर, आपसे जान लेते हैं कि तमाम पार्टियां जो हैं लग गई हैं, अभी मैदान में उतर गई हैं, बसपा की क्या तैयारी है? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, कितनी सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी को उतार रही है और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? राज भाई, पहले तो आपके चैनल को हम साधुवाद करते हैं, आपके व्यूवर्स को हम लोग साधुवाद करते हैं, और आप किस मुहिम को भी हम लोग साधुवाद करते हैं कि आप बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी की बात करने और फैलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और दूसरा, आपने कहा कि हम दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने बात रखी है, तो आपको बता दूँ बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, सातों के सातों पर अपनी दमदारी से प्रत्याशी को उतारने का काम करेगी। और बहुजन समाज पार्टी इन 7 लोकसभा में इस बार दिखाने के मद्दा रखेगी कि जिस तरह से देश में जो चीज़ें चल रही हैं उसके उलट बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सर्व समाज के प्रत्याशी आएंगे। हमारा जो गठबंधन है जो सर्व समाज के लोगों के साथ है, आदरणीय बहन जी ने कहा कि समाज का गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन माना जाता है, तो दिल्ली में निसंदेह ही बहुजन समाज पार्टी 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दमदारी से प्रत्याशी को उतार रही है, और ये आने वाले 2024 में 25 नवंबर उसमें मई को आपको बड़ी ताकत से बहुजन समाज पार्टी का हाथी दिल्ली में दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि बहन जी ने साफ तौर पर मतलब मना कर दिया है कि किसी से भी अब उन्हें गठबंधन नहीं करना है? दूसरी तरफ देखें तो एनडीए है और उस साइड इंडिया गठबंधन हो चुका है, तो दिल्ली की अगर बात करें तो 7 सीटों पर मतलब मुकाबला कैसे देखेंगे आप, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव नहीं, इस देश के समाज के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी सभी धर्म, सभी जातियों, सभी संप्रदाय मूल के समाज के लोगों के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ रही है, और बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी अपने बलबूते बिना किसी गठबंधन के सरकारें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश में 208 विधायक बनाए, और उससे आदरणीय बहन जी ने 5 साल पूर्व बहुमत सरकार चलाई। इसके उलट अगर हम और पीछे जाएंगे तो 2004 में हमने 21 सांसद पार्लियामेंट के उत्तर प्रदेश से बिना किसी गठबंधन जीते। उससे बाद आप 2009 में देखेंगे तो 19 सांसद हमने पार्लियामेंट के जीते बिना गठबंधन के। तो बिना गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि ये पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों की पार्टी है, तो निसंदेह समाज समझता है, और खासकर जो संविधान में विश्वास रखते हैं वो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए 2024 में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, खासकर बहुजन समाज पार्टी करेगी। जो लोग देखते थे कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है या इधर की उधर की बात करते थे, उनको निसंदेह देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, जिस हिसाब से आदरणीय बहन जी ने जो सीट अभी जो आपको देखने को मिला होगा जो वितरण किया है, उसमें सभी समाज सभी धर्मों को आदरणीय बहन जी ने गठबंधन बनाकर उनको टिकट देने का काम किया। यही काम हम लोग दिल्ली में करने वाले हैं, सभी जाति सभी धर्मों को हम लोग जो 7 सीटें हैं उसमें कोशिश करेंगे सभी समाज के लोग समावेश हो पाए, चाहे जाट समाज के हो हमारे, चाहे अपने मुस्लिम समाज के हो, दलित समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो, तो तमाम समाज को बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। आदरणीय बहन जी का तो साफ साफ है, देखो जो लोग गठबंधन गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं निसंदेह वो लोग कमजोर लोग हैं। इस देश में वोट के आधार पर सरकार बनती है, और वोट किसके पास है? बहुजन समाज के पास, और बहुजन समाज इसको डिनोट करता है बहुजन समाज पार्टी को, और बहुजन समाज पार्टी किसको डिनोट करती है? बाबा साहब की विचारधारा को। तो विचारधारा की बात करने वाले जो लोग हैं इस देश में, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, वो निसंदेह आदरणीय बहन जी के नेतृत्व को पसंद करते हैं, और हम देखने को मिल रहा है पूरे देश से अखिलेश समाज के जो लोग हैं और खासकर वीकर सेक्शन में जो नीचे तबके के जो लोग हैं, तमाम यूट्यूब और तमाम मीडिया आप जैसे जो बंधु हैं जो काम कर रहे हैं, वो छोटे डिवाइड लेके जो दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज का जो गरीब तबका है वो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी को इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग समझ जाएं कि इस बार 2024 में जो हर बार की तरह
गुमराही वाला काम करती थी मीडिया या दूसरे दल, वो उसमें फंसने वाले लोग नहीं हैं। इस बार सबका टारगेट एक ही है कि किसी भी तरह अपनी सरकार बनाई जाए, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाई जाए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की सपनों की सरकार बनाई जाए, वो काम आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। अच्छा, आप डर वगैरह की बात कर रहे थे अभी, तो क्या मतलब बहन जी ने भी दिल्ली की 700 सीटों में से एक किसी पर भी ऐलान नहीं किया अभी तक किसी उम्मीदवार का? यूपी में तो कर दिया लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने ऐलान कर दिया अभी, तो क्या बहन जी ये देख रही हैं कि कौन किस तरह से उम्मीदवार को उतार रहा है, फिर उसके ज्यादा टक्कर का उम्मीदवार उतारना है आपको? देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं, देश जातियों का देश है, लोगों को जातियों से मोहब्बत है, तो इसीलिए हम भी सर्व समाज को ध्यान रखते हुए, उनके सम्मान को ध्यान रखते हुए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में सबसे लास्ट वाले फेज में चुनाव है, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से अपने चुनाव, हो सकता है आपको 10-12 दिन में, 8-10 दिन में आपको सातों सातों लोकसभा सीटों पे हमारे जो उम्मीदवार है वो आपको घोषित होने काम हम लोग करेंगे, और इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं, सभी समाज के लोगों ने आवेदन दिए हैं, उन सभी समाजों का हम सम्मान करते हुए 2024 में दिल्ली में एक बड़े तौर पर बहुजन समाज पार्टी निकल के आएगी सामने। जो हमारे विरोधी दल हैं, जो हमारे बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफत वाले दल हैं, उनको सबक सिखाने काम भी बहुजन समाज पार्टी के लोग और समाज के लोग करने वाले हैं 2024 में। चलिए, ये थे सुरेश आर्या जी, केंद्रीय प्रभारी हैं बसपा के। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि दमदारी के साथ बसपा जो है इस बार 2024 के अंदर दिल्ली में 700 सीटों पर प्रत्याशी को उतारेगी, और देखना ये होगा कि क्या बीएसपी इस बार 2024 में कुछ बदलाव करने में कामयाब रहेगी और दिल्ली की 700 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने में जो है सफलता पाएगी या नहीं पाएगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जो बताएं, वो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।